अगर मैं इस घुटने को देख रहा हूँ तो यू कैन सी हेर दिस इज कॉल फिक्स नीचे घुटना नहीं जा रहा दर्द है डिफॉर्मिटी wow. इवन uh, so मैं अगर मैं फिंगर भी डालूं तो इसके नीचे तीन फिंगर्स मैं आराम से लेके आ पा रहा हूँ सी so, right so, जो पहले बेंडिंग नहीं हो पा रही थी नाव एबल हेलो फ्रेंड्स हम डॉक्टर सुनील सैनी ट्रॉमा ट्रामाज सर्जन एक्सपर्ट इन लिम लैंथ डिफॉर्मिटी करेक्शन पेन मैनेजमेंट आज हमारे पास पेशेंट है राजस्थान से है मनभा देवी और इनको घुटनों की समस्या काफ़ी सालों से है चलने फिरने में दिक्कत है काफ़ी सालों से है और टिपिकल ओस्टोअर्थ्राइटिस ग्रेड थ्री प्लस है ग्रेड थ्री प्लस पे स्पेशली जब पेशेंट को डिफॉर्मिटीज भी हो रखी हो डिफॉर्मिटीज का मतलब है कि पैर टेढ़े हो गए हैं या फिर एक फिक्सड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी जिससे आगे घुटना मुड़ता ही नहीं या सीधा ही नहीं होता ऐसी कंडीशंस के अंदर हम यूजुअली पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि यूनिट सर्जिकल इंटरवेंशन बट शी डेंट वांट टू गो फॉर एनी सर्जिकल इंटरवेंशन इनको सर्जरी के लिए जाना ही नहीं है इनको लगभग दस साल से घुटनों की तकलीफ है सीढ़ा चढ़ने उतरने में दिक्कत है क्वालिटी ऑफ लाइफ इज टोटली अफेक्टेड इवन वॉशरूम तक जाना भी पेशेंट के लिए दुर्भर है एक्सरे में देख सकते हैं कि इस तरीके से जो इनके पुराने एक्सरे हैं जो नॉन स्टैंडिंग एक्सरे किए गए हैं उसके अंदर फिर भी थोड़ा गैप नज़र आ रहा है बट आज जो मैंने

कि आपने सर्जरी नहीं कराई तो बस आप ऐसे रहिए गोली खाइए सो वी नीड टू ऑफर दोज पेशेंट्स नॉन सर्जिकल मैथड्स ऑल्सो और बहुत बार ऐसा हुआ ग्रेड थ्री के ऊपर नॉन सर्जिकल मैथड्स के माध्यम से भी पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई है यहाँ पे मेरा एम हमेशा ये पहले ये रहता है कि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट उसको इंप्रूव करूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ मींस आपके पेन को कम करें आप नी की फ्लेक्सीबिलिटी को बढ़ाएं आपका घूमना फिरना बेटर हो तो पेन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है अगर मैं इस घुटने को देख रहा हूँ तो यू कैन सी हेयर घुटना नहीं जा रहा दर्द है अगर फिंगर भी डालू तो इसके नीचे लेके आ पा रहा हूँ फर्दर रेंज ऑफ मूवमेंट इससे बस बस फर्दर रेंज ऑफ मूवमेंट इज ऑफ अपू नाइनटी एंड ए फिक्स फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी इतनी आराम से हो रखी है सिमिलरली दिस इज ऑन लेफ्ट साइड अगर मैं राइट साइड की तरफ देखता हूँ इनको फिक्स फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी ऑन राइट साइड इज ऑफ ऑफ टेन डिग्री ओनली तो मेरी टू फिंगर्स इसके अंदर आराम से जा रही है और फर्दर रेंज ऑफ मूवमेंट जो है ऐसे मॉडी माजी टू नाइनटी इससे ज्यादा पेन है तो पेनफुल है सो नाउ बिकॉज ऐसी कंडीशन्स के अंदर बेसिकली टोटल नी रिप्लेसमेंट भी रिकमेंड किया गया इनको जहाँ पे भी गए हैं वहाँ पे इनको टोटल रिप्लेसमेंट रिकमेंड किया बट शी डी वॉन्ट टू गो फॉर टोटल नी रिप्लेसमेंट इनको ऑपरेशन नहीं कराना है और इस समय पेशेंट की तकलीफ इतनी ज्यादा है कि ये अपनी डे टू डे एक्टिविटीज दिनचर्या की रोज की जो एक्टिविटीज है इवन बाथरूम तक जाना इनके लिए दुर्भर हो गया तो ऐसी कंडीशन के लिए वी आर गोइंग फॉर प्रोलोजोन थेरेपी इसके अंदर हम प्लस बी एस सी बी इंजेक्शन फॉर पेन मैनेजमेंट तो प्रोलोजोन जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज के अंदर हमने डाला है वो हम करने जा रहे हैं इस स्टेज के अंदर हम पी आर पी नहीं कर सकते बिकॉज पी आर पी का इसमें कोई भी रोल नहीं आएगा एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न सो वी विल गो फॉर प्रोलोजोन थेरेपी जिसके अंदर हम कॉकटेल इंजेक्ट करेंगे वी विल हाई ऑर्थ इंजेक्ट करेंगे इसके साथ में हम इसमें ओजोन थेरेपीज देते हैं अब ओजोन थेरेपीज का फायदा ये होता है कि इसको मल्टीपल टाइम्स टाइम कैन बी रिपीटेड जब हम ओजोन को इंजेक्ट करते okay. हैं तो अंदर में फाइबरस टिश्यू को ब्रेक कर देते हैं और फिर फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी काफ़ी हद तक ठीक होने लग जाती है वी हैव पेशेंट्स इनकी 30 30 डिग्री की फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी अब काफ़ी हद तक कम हो गए पाँच से दस डिग्री की रह गई है और वो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ अपनी करने लग गए हैं इसके साथ में आपको आगे में फिजियोथेरेपी रिहेबिलटेशन मेडिकेशन ये सब करते रहना बहुत ही जरूरी है ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव रह सके सो वी आर गोइंग फर्स्ट ऑन द राइट साइड एंड देन वी गो ऑन द लेफ्ट साइड so we are going on right side now so now i will do the manipulations इमिजिएटली पोस्ट इंजेक्शन जैसे हम लोग ओजोन को इंजेक्ट करते हैं ओजोन फाइब्रस टिश्यू को ब्रेक करिए इसलिए मैनुपुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैनुपुलेशन करने वालों को पता होना चाहिए कि वट दे आर डूइंग देन ओनली वी कैन ट्रीट द फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज इनकी लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा है नाव आई एम गोइंग द लेफ्ट साइड देखना था छोड़ो नाव वी आर गोइंग साइड

बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट की तरफ आता है फिर फिक्स लेक्शन डिफॉर्मिटी क्योंकि फाइब्रस टिश्यू ब्रेक कर जाता है इसलिए हम इसके अंदर मल्टीपल सेटिंग्स की तरफ जाते हैं कि मल्टीपल सेटिंग्स के अंदर फाइब्रस टिश्यू और ज़्यादा ब्रेक करेगा इस पेशेंट में वायरस कम है फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ठीक होते ही ज्यादा बेटर चलने के चांसेस है सो so फ्रेंड्स मैंने मैनिपुलेट किया है मैजिक ऑफ दिस थेरेपी इज दैट की इमिजिएटली फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कुछ ना कुछ लेवल तक कम होते चले अब इसके आगे में पेशेंट को फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन द पेशेंट पुश करेगा नीचे की तरफ तो ये और बेटर हो जाता है इन पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मुझे नजर आई कि इनको एफ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ज्यादा और वायरस बहुत ज्यादा है नहीं तो ऐसे केसेस के अंदर प्रोलोजोन थेरेपी के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं क्योंकि एक बार आपकी एफ करेक्ट हुई तो उनको फुल रेंज ऑफ मूवमेंट मिल जाता है इस तरीके से हम लोग पोलजोन थेरेपी प्लस डीएससीबी इंजेक्शन अब डीएससीबी इंजेक्शन के बार बार लगाए जाएंगे दैट इज बीट ऑफ फोर फाइव एंड बेटा नाइन ताकि नर्व की जो सेंसिटिविटी है उसको हम कम कर सकें इस तरीके से हम ग्रेड थ्री ऑस्टोअर्थराइटिस में भी ग्रेड फोर ऑस्टोअर्थराइटिस तक पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि इनको ये पेन परमानेंटली ही रिजोल्व हो जाएगा आगे में चल के पेशेंट को पेन भी आ सकता है इसलिए इसकी मल्टीपल सेटिंग्स होती है और सबसे अच्छी बात है इट कैन बी वेरी वेल रिपीटेड अगर जो पेशेंट सर्जरी कराना ही नहीं चाहते तो उसके अंदर वो टू ईयर्स पे थ्री ईयर्स पे जब भी पेन आता है इट कैन बी वेरी वेल रिपीटेड एंड अलोंग विद डैट ऑफ मेडिकेशन फीज रिहेबिटेशन करके भी अपनी लाइफ को ग्रेड फोर पे मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूँ जिसपे बहुत ज़्यादा तकलीफ है उसके बाद भी हर जगह पेशेंट को कहा गया कि रिप्लेसमेंट सर्जरी चाहिए बट स्टिल पेशेंट डिड वॉन्ट टू गो फॉर सर्जरी तो उसमें भी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और हो सकता है कि इनको इतनी मूवमेंट इतना पेन फ्री रहें आगे में कि इनको जरूरत ही ना पड़े किसी प्रकार की कोई सर्जरी की सो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग ग्रेड थ्री एंड ग्रेड फोर ओस्टोथराइटिस को विद द हेल्प ऑफ प्रोडोजोन थेरेपी ट्रीट कर सकते हैं फॉर पेन मैनेजमेंट मोबिलिटी एंड आगे में फीजो रिहेबिलिटेशन लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन एंड मेडिकेशन नीड टू बी कंटिन्यू सो आपके परिवार में आपके दोस्तों में आपके जानने वालों में किसी को इस प्रकार की समस्या घुटनों का घुट्टों है उनको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोला गया तो एक बार आप फ्री ओपिनियन हमारी टीम से जरूर ले सकते हैं मैं सारे एक्सरे सबको खुद ही रिव्यू करता हूं उसके बाद ही हम आपको जवाब देते हैं कि आपके अंदर प्रोलोजन थेरेपी वर्क करेगी नहीं करेगी और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें व शेयर करें आपकी एक वीडियो शेयरिंग से हो सकता है पेशेंट को फायदा हो और वो हमेशा लाइफ लॉन्ग आपका आभारी रहेगा कि आपने वो वीडियो शेयर करी और दोस्तों ये बताते हुए डिक्लेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सेंटर पर ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर पटौदी दिया मल्टी स्पेशलिटी मल्टी डायमेंशन में जा रहा है तो यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी एंड उसके साथ में जनरल सर्जरीज और ऑन्को सर्जरीज अगर मैं स्पेशलाइज उसकी बात करूँ तो ऑन्को सर्जरीज के अंदर यूरो सर्जरीज के अंदर और कार्डियोलॉजी के अंदर भी हमने अपनी स्पेशलिटीज़ को अब ब्रोडन अप किया है अगर आपको आपके जानने वाले में किसी को भी यूरो की समस्या है तो आर आई आर एस पी सी एन एल के माध्यम से किसी प्रकार के स्टोन को बहुत ईजिली मेथड से विदाउट एनी आर आई आर एस तो ऐसा मैथड जिसके अंदर आपको कोई भी इन सीजन तक नहीं देना तो वो आर आई आर एस की टेक्नोलॉजी भी हमारे अस्पताल के अंदर स्पेशलाइज यूरोजोलॉजिस्ट द्वारा अवेलेबल है तो ऐसी कोई भी समस्या आपको या आप पेट की कोई समस्या कोई किस प्रकार का कैंसर है वो भी आप हमारी टीम से शेयर करके हमारे डॉक्टर से हमारी एक्सपीरियंस टीम से फ्री ओपिनियन ले सकते हैं उनकी सेवाएँ भी आप ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ले सकते हैं थैंक यू